जैसे कहानी का मतलब हमारे ये है कि मान लीजिए जब तक आदमी जीत न जाए क्या आपसे सवाल किया जाए जीत जाएंगे सवाल करेंगे हम लोग हम लोग को चाहिए, चाहिए? हाँ गोरखपुर योगी जी का गढ़ है गोरखपुर का विकास देखिए चारों तरफ से हो रहा है योगी जी का गढ़ सर तो है कहानी का मतलब ये है योगी जी बहुत दिन से है और योगी जी के बनाए हुए अपना ये रवि किशन जी हैं संसद लेकिन संसद जी से पूछिए कि आज पाँच साल सात साल क्या किए कहाँ आए आए कभी दर्शन किए उम्र भर तो वोटर दहली कुछ तक दहले ना आई है ना के तो कुमा नहीं है के देखे कि के गरीब दुखिया निषाद बाय शुद्ध कि नाई बा के खाए बा कि नाई बा अपने बड़ा बड़ा मनाई अपने देखा गरीबे मनाई के पूछे वाला बा रामकरण नेता गाँव देश देखा तहला पूछा तहला का बात है, हाँ। 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 है। तो एक हाँ। 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 अच्छा कहा जाता है कि जोगी जी का गढ़ है हां जोगी जी घर है जोगी जी के हम के पहले देता है जिंदगी भर से बुढ़ा गयी जोगी जी जब पैदल चलते माला डल्ले बाटी बरपुर अच्छा तू देखी देखा बोला थी। ना ही देखी देखा, देखा ना ही बोला था ही। हमन का साठ सत्तर साल की उम्र हो गई एक चवन सामान ना पाले बाटी और कई बार उठी रहा इंदिरा गांधी राज तब से वोट दीहल जाता बहुत पुरान वोटर हाँ बाकी तब इन्हें एक रुपया का सामान ना मिलल बा राशन उसे नहीं मिला ला का? मिला ला किलो मिला ला सात आठ मनाई दस पे अनुमत तो मोदी जी दे रहे हैं ना देव मोदी जी गोरखपुर के विकास की बात करते हैं तो जहां अभी आप काले कालेसर से जब जंगल कौड़िया के तरफ बढ़ेंगे सत्रह किलोमीटर का बाईपास बनाया गया है जहां पे कभी लोग दूर दूर से नजर नहीं दौड़ा पाते थे आज बड़ी बड़ी गाड़ियां दौड़ती हैं गाड़िया तो जो भी सरकार रहेगा रोड तो बनाएगा जायसी सी कम्पल्सरी रोड तो बनाना ही पड़ेगा मेडिकल कॉलेज बनाना ही पड़ेगा लेकिन बनाने से पहले वहाँ की सुविधा का विकास हुआ है की नहीं गोरखपुर का विकास तो ग्रामीण में नहीं हुआ है लेकिन क्षेत्र क्या ना शहरी क्षेत्र में थोड़ा बहुत विकास हुआ है मान लीजिए जैसे किसी का आवाज थोड़ा गया तो फर्टिलाइजर चालू हो गया फर्टिलाइजर चालू हो गया कोई भर्ती नहीं हुआ हमने फर्टिलाइजर में बहुत कोशिशें की लेकिन ढाई से दो लाख रुपए कमीशन सब है कहा अपने मन के हमें नहीं हमें नहीं झाड़ के मारी बताते मारी तब कहा मारी सब काजल निषाद के और कहा सब <laughs> याद का है मित्रों नमस्कार हमारी मौजूदगी है गोरखपुर में और गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र के कुसमा खुर्द गाँव में लोकसभा चुनाव के सर्वे को लेकर के हम लोग कुसमा खुर्द में हैं और यहाँ पे जानेंगे लोगों से कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में जनता किसका चयन करेगी गोरखपुर लोकसभा सीट की अगर बात कर ली जाए तो गोरखपुर लोकसभा सीट की चर्चाएं पूरे देश में है सबसे हॉट सीट बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी से रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी पार्टी से काजल निषाद हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ तमाम महिलाएं और पुरुष हैं जो कि इसी गांव के स्थानीय निवासी हैं इनसे बातचीत करेंगे चार चरण का मतदान हो चुका है पाँचवें चरण का मतदान बीस तारीख को और छठे चरण का मतदान पच्चीस मई को है एक जून को गोरखपुर में वोट पड़ेगा अब चाची और दादी से जानेंगे कि चाची दादी किसका मन बनाई है और पर्टिकुलरली सबका नाम जानेंगे चाची क्या नाम हुआ आपका बर्फा देवी बर्फा देवी बर्फा देवी आपके क्या नाम है विजय लक्ष्मी देवी विजय लक्ष्मी आपके क्या नाम है लाल देवी लाल देवी आपका आरती आरती आपका क्या नाम है इनरा देवी इनरा देवी कितना उम्र हो अरे अब मन जाना जय जगंदाई लौका साफ दाँत से कुछ कितना सांसद बनाई है कितना विधायक बनाई है कई बार वोट दिल हो अरे वोट तो बहुत बहुत दिल है अच्छा आपका क्या नाम है शीला देवी शीला देवी आपका चाची राधिका निषाद राधिका निषाद आपका श्री कुमारी शिव कुमारी हैं कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग निषाद हैं महिलाओं से बातचीत किए चाची जी बहुत जने के सांसद और विधायक बनौलू एक तारीख के वोट देवे बार के के सांसद आप बना आपन काजल निषाद के काजल निषाद के तरफ लोग तो कह है रहे हैं कि रवि किशन जीत नहीं काजल जाए डॉक्टर संजय निषाद कहते हैं कि सब निषाद हमको वोट करेंगे हमारे पार्टी को वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी से उनका गठबंधन सब है कहा के हम नहीं, नहीं जा मारे बता के मारी तब कहा मारी सब काजल निषाद क्यों कहा मारी सब <laughs> याद का है चाची के के मन बना के के सांसद बनाये काजल निषाद के आ, उम्र भर तो ते दहली कुछ तक तोले नुस मन के गरीब दुखिया निषाद बाड़ा मन अपने, बार बार मने, अपने देखा मने के। पूछे वाला चुनाव नजदीक बा प्रचार प्रसार चलता नेता मिले बहुत नेता ऐल बहुत वोट दल इतना उम्र बीत गए कुछ नही देखल वोट काजल निषाद के जाये न

अरे ठीक कहा बात है अब की जीत है 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 काजल काजल निषाद चलिए यहाँ पे देखिए और कुछ लोग बैठे है क्या नाम है आपका कृष्णावती देवी कृष्णावती देवी कृष्णावती देवी हां अच्छा के के मन सांसद काजल काजल देखी देखा बोला थे। है? देखी देखा नहीं चाची बनाएगी काजल निषाद के भैया तुम्हें देखी देखा बोलती देखा तो कुल कमे हो तो बात तो चलिए मित्रों ये देखिए महिलाओं से हम लोग जाने हैं यहाँ पे कुछ चाची और छूट रही है देखिए एकदम किनारे में है क्या कहेंगी? किसे सांसद बनाएंगी? काजल के। देखी देखा बोला निषादी ना ही देखी देखा का साठ सत्तर साल के उमर गई एक चमन्नी के बाटी अब कई बार उठी इंदिरा गांधी तब से वोट दीहल जाता बहुत पुरान वोटर हाँ बाकी तब एक रुपया बा राशन नहीं मिला मिलल बीस किलो सात आठ मनाई दस मनाई पे

हाँ मिला ला दस मनाई का मिला बाट आठ मनाई देने साथ हाँ कट जाता है क्या हाँ है, तीन ठीक कटा ला तब की बार सांसद किसे बनाएंगे काजल निशाद के हाँ रवि किशन कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं अरे कहे दे कसा तकाल हम जीते थे सब लोग कहते हैं कि जोगी जी, 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 जी का एक गढ़ है गोरखपुर अरे कहे दे

पुरुष वर्ग में भी कुछ लोग हैं यहाँ पे देखिए पुरुष वर्ग में भी कुछ लोग हैं इन लोगों से भी बातचीत करेंगे भाई साहब क्या नाम हुआ दिनेश दिनेश निषाद चाचा क्या नाम है राम निवास यादव राम निवास यादव यादव जी हैं भाई साहब क्या नाम हुआ रविंद्र निषाद वाह वाह निषाद जी चाचा क्या नाम है प्रभु निषाद प्रभु निषाद कितनी उम्र हो गई अस्सी बरस अस्सी बरस कितने सांसद बना दिए हम रामकरण नेता वो अब गाँव देश देखा तहला, पूछा, तहला का बात है अभी नहीं आये कभी नहीं, नहीं। प्रचार 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 में तो आए होंगे हाँ। ना ही प्रचार में आई हुई है तेरे आड़े गयी हुई है हाँ। हाँ। अच्छा ये कहा जाता है कि जोगी जी का गढ़ है हाँ जोगी जी घर है जोगी जी के हम के पहले दे है जिंदगी भर से बुढ़ा जोगी जी जब पैदल चला था, माला अच्छा, आप उनको हाँ। तो क्या आपकी किसे जिताएंगे हम के आपकी निषाद के नहीं दिया संजय निषाद कहते हैं सारे निषाद हमारे साहेब तब नहीं क्यों करे तब के के हल जा हाँ निषादों हा� की एक पार्टी है संजय निषाद उसके राष्ट्रीय और निषाद पार्टी गठबंधन है भाजपा से सुनी साहब तब गांव में देश में आदमी घूमा ला आप जैसे आईली आपके जान कि साहब गयी बात है तब मन जाना ला और तू पांच साल में दस साल में तक बन करा तुम तो जानी मतलब बन कर नहीं जाना वही कुशमा के लोग क्या मूड बनाए है किसे सांसद बनाए वह कहा जाता है काजल निषाद के हाँ रवि किशन को नहीं नही रवि किशन झटबन गई ली बात तब कैसे जोगी जी दावा करते हैं कहते हैं अस्सी में अस्सी सीट आएगी गोरखपुर की एक सीट उसमें से है हाँ तो जोगी, जोगी जी के आ, जोगी जी की जिंदगी भर हम दि बाकी बुढ़ा गए हाँ पैदल तब चला जोगी जी हाँ अस्सी सीट कैसे आई जब आप लोग काजल निषाद को साहेब आप जैसे आवे अच्छा प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री जान पाए हम हैं चलिए आगे बढ़ते हैं युवाओं से बातचीत करते हैं भाई साहब क्या नाम हुआ दिलीप निषाद क्या कहेंगे क्या माहौल है कुसमा खुर्द का माहौल कुसमा खुर्द का सर यही है कि यहाँ से सपा साइकिल वाले काजल निषाद के सभी वोटर यहाँ से भारी पड़ रहे हैं जी किसे जिताएंगे काजल निषाद को योगी जी का गढ़ माना जाता है योगी जी का कहने से गढ़ तो माना जाता है लेकिन कहने से गढ़ नहीं बनता है हमारी जनता हमारे निषाद वर्ग के सभी बिरादरियों में इतना अफलातून मच गया है कहीं राशन पे धाधलाबाजी बोला जाता है कहीं आवास पे धाधलाबाजी किया जाता है कहीं युवाओं को को परीक्षा लीक हो जा रहा है कहीं नौकरियाँ नहीं मिल रही है प्राइवेट कंपनियाँ खोल रही हैं पाँच परसेंट चार परसेंट कमीशन लिया जाता है जैसे गीडा में अभी बारह से बारह घंटा ड्यूटी कर रहे हैं लोग वहाँ से तनख्वाह दस से आठ लेकिन मैं योगी जी से यही अपील करना चाहता हूँ एक बार जो अपनी कंपनी कमीशन आप आप खुलवा रहे हैं वहाँ पर आप एक अपनी सरसरी निगाह से देखा जाए ताकि वहाँ पर युवा के बारह घंटा करते हैं दस हजार रूपए मजदूरी पाते हैं बताइए सर उनका लालन पासन कैसे चल रहेगा अच्छा पाँच सालों के दौरान आपने देखा गोरखपुर का विकास किस प्रकार से हुआ गोरखपुर का विकास तो अभी तक कुछ कहने का कह जनता के मन में कुछ आया नहीं है जनता के बीच कुछ आया नहीं है कहने से तो कागजी कार्रवाई में यहाँ दो सौ करोड़ का आईटीआई कॉलेज बनाया जा रहा है यहाँ कॉलेज बनाया जा रहा है वहाँ कॉलेज बनाया जाए लेकिन ऐसी कोई कहने कहने गोरखपुर से एम्स आ गया है। लेकिन एम्स की कोई यहाँ से क्षेत्रीय कोई भर्ती नहीं आई है सारी पता नहीं कहाँ से उखाड़ के ला के सुविधा तो मिल रही है स्वास्थ्य सुविधा के यहाँ लाइन लगा के स्वास्थ्य सुविधा ये आज लाइन में मेडिकल कॉलेज है जी मेडिकल कॉलेज में मैं कहना चाहता हूँ जो भी माता हमारा भी दबा हुआ है मेडिकल कॉलेज में हमारे माताएं हमारे सभी तमाम जनतागढ़ को मेडिकल कॉलेज में दवा हुआ है लेकिन वहाँ कहने का मेडिकल कॉलेज है जाते हैं बेचारे सभी लोग लाइन लगा के पर्ची लगा के खड़े रहते हैं एक से दो घंटा किसी अधिकारी को पैसा देंगे तो आपका दवा होगा नहीं तो दवा नहीं होगा मर जाइए या डिस्चार्ज करवा लीजिए वहाँ से लखनऊ से जब योगी जी चलते हैं गोरखपुर में हर हफ्ते हफ्ते में दो बार आते हैं गोरखपुर का दौरा करते हैं और जब भी आते हैं तो मेडिकल कॉलेज जाते हैं और सर्वेक्षण करते हैं योगी जी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो सब लोग जानते हैं कि योगी जी का गोरखपुर गढ़ है आएंगे चले जाएंगे आएंगे चले जाएंगे यहाँ तो ग्रामीण जनता परेशान हो रही है जाके दवा एम्स के नाम से आ, योगी जी इम्स खुलवाए हैं योगी जी मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं गोरखनाथ कई प्रकार की मेडिकल कॉलेज खुलवाया गया है लेकिन वहाँ सुविधा नहीं है मैं योगी जी से ही कहना चाहता हूँ एक बार सरसरी निगाह देखा जाए कि जनता का कुछ भी लाभ नहीं जो आपने राशन कार्ड के बारे में बता रहे हैं राशन फ्री दे रहे हैं पाँच यदि एक परिवार में पाँच है तो पाँच पाँच में चार ही एक यूनिट तो आप कटवा ले रहे हैं एक यूनिट योगी जी कटवा ले रहे हैं अब बताइए चार यूनिट में घर तोलिया तोला जा रहा है बताइए सर हाँ आप बता रहे हैं कि राशन फ्री गोरखपुर राशन के विकास की बात करते हैं तो जहाँ अभी आप काले, काले सर से जब जंगल कौड़िया की तरफ बढ़ेंगे सत्रह किलोमीटर का बाईपास बनाया गया है जहाँ पे कभी लोग दूर दूर से नजर नहीं दौड़ा पाते थे आज बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दौड़ती हैं गाड़िया तो जो भी सरकार रहेगा रोड तो बनाएगा जाय कंपलसरी रोड तो बनाना ही पड़ेगा मेडिकल कॉलेज बनाना ही पड़ेगा लेकिन बनाने से पहले वहाँ की सुविधा भी विकास हुआ है कि नहीं गोरखपुर का विकास तो ग्रामीण में नहीं हुआ है लेकिन क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में थोड़ा बहुत विकास हुआ है मान लीजिए जैसे किसी का आवाज तोड़ा गया तो फर्टिलाइजर चालू हो गया फर्टिलाइजर चालू, चालू हो गया कोई भर्ती नहीं हुआ हमने फर्टिलाइजर में बहुत कोशिशें की लेकिन ढाई से दो लाख रूपये कमीशन मांग रहे हैं मांग रहे हैं सर आम हमने तीन दिन वहाँ ड्यूटी किए फर्टिलाइजर में लेकिन कोई चारा नहीं लगा क्योंकि मैं छोटी बिरादरी को इसलिए हमारी व्यवस्था नहीं लगी और लगी तो वहाँ दो लाख कमीशन मांगा जा रहा है बताइए फर्टिलाइजर में कोई

मान लीजिए यादव वर्ग के सभी हरिजन वर्ग के सभी लोग जा रहे हैं सब लोग हम लोग काजल निषाद को एक बार समाजवादी पार्टी को जी सांसद के रूप में काजल निषाद को देखना चाहते हैं ताकि वह है, हमने दो तीन बार हमारे ग्राम सभा में लगातार वह प्रचार प्रसार कर रही हैं आ गई हैं हाँ जनता के बीच आती है समस्या पूछती है माताओं से बहनों से अपना पूछती है की जीताइए चुनाव चुनाव हमको जिताइए है। आते, आते हैं आते हैं भाई साहब क्या नाम हुआ मेरा नाम रामदयाल यादव है कहाँ से हैं मैं जिला संत कबीर नगर अच्छा संत कबीर से हाँ मैं रिक्शा कुल का निवासी हूँ हाँ तो इस बार तो देखा जा रहा है कि हमारे संतकभी नगर की जो हम बात कर रहे हैं कि संतकभी नगर तो हमारे क्षेत्र में पड़ता है गोरखपुर तो हमारे क्षेत्र में पड़ता नहीं है तो लेकिन बात है कि संतकभी नगर में हमारे जो कैंडिडेट हैं इस समय के पप्पू निषाद श्री पप्पू निषाद उनकी सीट पूरी तरह से संतकभी नगर से निकल रही है और रही बात गोरखपुर की श्री काजल निषाद की जो बात है काजल निषाद का भी बहुत ही ज्यादा उनका यहाँ पे जलवा है अच्छा ये जो लोग ये लोग जो दावा कर रहे हैं क्या इनके दावे सत्य है दावे गोरखपुर में है आप खड़े हम गोरखपुर में खड़े हैं गोरखपुर का डेवलपमेंट बड़ा है हम ये नहीं कहेंगे कि गोरखपुर का डेवलपमेंट नहीं बढ़ा है डेवलपमेंट बड़ा है गोरखपुर का लेकिन बसरती बात यह है कि जो काजम निषाद और पार्टी और चुनाव की जो रणनीतियाँ चल रही हैं उस हिसाब से काजल निषाद जो हैं गोरखपुर से आगे निकल रहे हैं आगे निकल रहे हैं चलिए आते हैं भाई साहब चाचा जी आइए इधर आइए आगे आइए क्या नाम है आपका सोमनाथ गुप्ता गुप्ता जी क्या हाँ। माहौल है कौन जीत रहा है माहौल तो ठीक है बस पर काजल निषाद आना चाहिए काजल निषाद आना चाहिए हाँ भाजपा से हमारा जी एकता आ गया एकदम गरीब का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है इसमें जो बड़े है उन्ही का सुनवाई हो रहा है हाँ अभी लेटिंग दो दो बार पास हुआ हमारा सब पैसा खा गए हैं तो चाला नहीं मिला नहीं मिला आवास तो मिला आवास मिला वो भी राशन मिलता है राशन मिलता है गैस मिला गैस मिला तो गैस मिलकर क्या, क्या क्या होगा बताइए आठ कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं हाँ पेंशन नहीं मिला कई बार ऑनलाइन करें नहीं मिल रहा है ऑनलाइन कई बार कराए क्या मन बनाया मन बनाया काजल निषाद को लाएंगे सपा को चलिए चाचा जी क्या नाम हुआ भगवान दास निषाद निषाद जी आँखों खुलल बका नहीं आँख तो नहीं सर खुला है थोड़ा इसमें गड़बड़ी हो गया दवा चल रहा है मतलब रात हो गई है और रात में आप का काला चश्मा लगाए हैं जैसे कि इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गई है इसमें कीड़ा कुछ दिक्कत हो जाएगी ना इसलिए जो तो लगाना पड़ता है कैसे दिखाई दे दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है कोई बात नहीं है ये लाइट जल रही है तब दिखाई दे रहा है नहीं अंधेरे में दिखाई दे रहा है तो सही है एक आंख में गड़बड़ी गड़बड़ी है एक में क्या माहौल किसको जिताएंगे माहौल तो ठीक है सर कहने का मतलब ये है मान लीजिए किसी को दस बारह साल पंद्रह साल एक ही काम नहीं दिया जाए है अगर मान लिए पाँच साल रवि किशन है तो पाँच साल काजल निषाद को बना दिया जाए इसमें क्या लगा हुआ है इनको तो भी देख लिया क्या क्या नहीं करते हैं ट्राई मार आ, ट्राई मारते हैं हाँ तो क्या लगता है मुद्दे क्या होंगे अगर काजल निषाद को आप लोग जिता रहे हैं काजल निषाद जीतती हैं तो मांग क्या होगी आप लोग अब ये एक बार पहले जिता दे तो ठीक है और जीत जाएंगे मांग करेंगे हम लोग क्या ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए अच्छा प्रचार प्रसार में नेता यहाँ आते हैं नेता तो कोई ना काजल निशा खा आती है कोई नहीं आया अच्छा काजल निषाद अगर आई तो क्या बातचीत हुई आप उन्होंने कहा कि भाई हम लोग एक बार जिताइए और जो हमारे लायक हो मदद में मदद करूंगी आप लोग आप लोगों लो ने क्या कहा हम लोग ने कहा आप लोग वोट आपको पूरा हाँ मांग लो... नहीं कोई रखे मांग अभी तो नहीं किया भाई अभी जितनी चीजें आप गिना रहे हैं जितनी शर्तें गिना रहे हैं कि ये नहीं मिला वो नहीं मिला क्या आप कहे काजल निषाद को कि हम आपको तभी जिताएंगे

और एक बार जो हमारे ये ध्यय है कि बनाया हाँ। तो मित्रों आप देख सकते हैं ये गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र का कुसमा खुर्द गाँव है और यहाँ पे जब हम लोग आते हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं तो ये लोग आप पूरी तरीके से मन बना चुके हैं इस मामले से संबंधित आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार